अपने पता ही नहीं है कि शक्तियाँ होती क्या हैं। राहुल गांधी को क्या पता है कि माता क्या होती है, उनको कोई जानकारी इतनी नहीं है। प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी को ज्ञान है ना, उतना राहुल गांधी जी को नहीं है। धन्यवाद। ये आपको राहुल गांधी से प्रश्न करना चाहिए कि आप जहाँ पर आए हो, जम्मू के डोगरों की आन बान और शान है डोगरी पगड़ी, और आपने उसी पगड़ी का अनादर किया है। आने वाले दिनों में जम्मू की जनता इसका जरूर जवाब देगी कांग्रेस को। जब वोट आते हैं ना तो इनको कभी जनेऊ याद आता है, कभी कश्मीरी पंडित ये याद आता है, लेकिन ये जो हैं वो दुनिया जानती है। जुगल जी का यहाँ पे दौरा हुआ है सर, आज आपने यहाँ पर जो है वो ड्राई राशन बांटा, आपने कितना फायदा जो है वो आम जनता को यहाँ पर होगा? ऐसा देखिए, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्मदिन और 7 अक्टूबर को उनके 20 साल राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे हैं। वो 20 दिन सेवा कार्य जो है वो चलेंगे। आज तो हम ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 में थे, और जहाँ पर गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यहाँ पर मुफ्त में जो राशन गरीबों को दिया जा रहा है उसको हम देखने आए थे, कैसा राशन दिया जा रहा है, स्वच्छ है, और उसके बाद कोई उनको परेशानी तो नहीं आ रही है। इसके साथ साथ ही कि भाई जो राशन वो ले रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और राशन साफ सुथरा है कि नहीं, इस माध्यम से आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा था जिसमें हमारे जिला प्रधान विनय गुप्ता जी और मंडल प्रधान केरनी साहब और सीनियर लीडर हमारे जुधवीर सेठी जी और हमारे सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप कंधारी जी और बहुत सारे यहाँ के कार्यकर्ता थे। अच्छा लगा। अब ये 20 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो सेवा कार्य करेगा। जुगल जी एक सवाल करना, जो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था, लेकिन कांग्रेस ने कल के दिन को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मनाया, किस तरह से आप इसे देखते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। दिन ब दिन नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता जो है ना वो बढ़ती जा रही है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। जो उन्होंने देश को ताकतवर बनाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए, देश का जो मान सम्मान बढ़ाने के लिए, देश और समाज के लिए जो ऐतिहासिक और साहसिक कार्यक्रम किए हैं ना, वो कांग्रेस 70 वर्ष तो कर नहीं सकी। अब नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं तो इससे उनको थोड़ी परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता जो है वो ठीक है, और नरेंद्र भाई मोदी जो है वो देश हित में कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जम्मू का दौरा हुआ, और उन्होंने अपनी रैली को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आरएसएस और भाजपा की वजह से माता दुर्गा की शक्ति जो है वो कम हुई है। आप किस तरह से इस बयान को देखते हैं? क्या कहा उन्होंने? आरएसएस और भाजपा की वजह से माता वैष्णो देवी की शक्तियाँ कम हुई हैं, जो गलत नीतियाँ थी भाजपा की। उन्हें पता ही नहीं है कि शक्तियाँ होती क्या हैं। राहुल गांधी को क्या पता है कि माता क्या होती है, उनको कोई जानकारी इतनी नहीं है। इसलिए जितना धर्म के प्रति और शक्तियों के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी को ज्ञान है ना, उतना राहुल गांधी जी को नहीं है। धन्यवाद। पगड़ी का भी अपमान किया गया वहाँ पर, डोगरी पगड़ी जो है वो गुलाम नबी आजाद ने पहनने से मना किया, जीए मीर साहब ने डोगरी पगड़ी जो है अपने चरणों में रखी। ये आपको राहुल गांधी से प्रश्न करना चाहिए कि आप जहाँ पर आए हो, जम्मू के डोगरों की आन बान और शान है डोगरी पगड़ी, और आपने उसी पगड़ी का अनादर किया है। आने वाले दिनों में जम्मू की जनता इसका जरूर जवाब देगी कांग्रेस को। उनका ये भी कहना कि वो कश्मीरी पंडित है, जम्मू कश्मीर में जब वो आते हैं तो वो उन्हें अपना जर जैसा वोट आते हैं ना तो इनको कभी जनेऊ याद आता है, कभी कश्मीरी पंडित ये याद आता है, लेकिन ये जो हैं वो दुनिया जानती है। धन्यवाद। आज जुगल किशोर शर्मा जी से हमने जो राहुल गांधी का जो दौरा हुआ था उसको लेके भी हमने बातचीत की, साफ तौर से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अभी और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये राहुल गांधी का दौरा हुआ, ये पूरी तरह से विवादों में था। अब विधानसभा के चुनाव जो है वो जल्द जम्मू कश्मीर में करवाए जाएं, इस तरह की बातचीत भी है वो देखें। उसके बाद जो राजनीति सरगर्मी है वो जम्मू कश्मीर में तेज़ हो चुकी हैं। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।